नमस्कार दोस्तों, नई नोटिफिकेशन आउट हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। तो चलिए इसका बात ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फी, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड का डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स, दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बीएससी नर्सिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस एंड रजिस्ट्रेशन इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होने चाहिए। एज 35 साल से कम होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। इसमें टोटल 4,000 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 1,600 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 1,080 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 400 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 80 वैकेंसीज है, एससी के लिए 840 वैकेंसीज है। पे स्केल 20,500 + 15,000 दिया जाएगा। इसमें सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी गवर्नमेंट जब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा दैन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है दैन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।